तो भगवान को एक भाव से ऐसे समझो, जो भोले आदमी होते हैं वो जल्दी पा जाते हैं। अच्छा क्यों? इसका मतलब हम पढ़े लिखे ना भोले ही बने रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भोले का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़े लिखे हो मत, या पढ़े लिखे मत बनो, या पढ़े लिखे क्यों हो। भोले का मतलब है, भोलापन का मतलब है कि जो सरल होता है, विनम्र होता है, और जो भगवान की कथा, भगवान के रूप, भगवान की धाम, भगवान की लीला को दिल से सुनता है उसे भगवान जल्दी मिल जाते हैं। जो दिमाग से सुनता है वो दिमाग ही लड़ाता रहता है। बोलो सीताराम। ऐसे ही हमें एक बात याद आ रही, एक बार एक सीधा साधा आदमी ट्रेन पे चढ़ा, ट्रेन पे एकदम सीधा साधा सागर का आदमी भोपाल जा रहा था ट्रेन पर। ट्रेन पर चढ़ा, टीजी ने कहा कहाँ जा रहे? बोले हुजूर भोपाल। भोपाल जा रहे? टिकट? हुजूर टिकट नहीं है, गरीब आदमी है, टिकट नहीं है, बहुत गरीब आदमी है हुजूर, और हम इतने गरीब आदमी हैं कि बासी रोटी और चटनी खाते हैं। टीटी ने कहा कि क्या हम गोबर खाते हैं? तो ये इतना भोला था, बोले हुजूर आप अमीर आदमी हो, खा सकते आप अमीर आदमी हो, खा सकते, हम तो गरीब आदमी है, चटनी रोटी में ही काम चलाते हैं। टीटी भी बड़ा समझदार था, उसे बड़ी हंसी आई उसकी भोलेपन पर, बड़ी हंसे टीटी भी। तो उसने बाद में टिकट जरूर नहीं ली, लेकिन वो हंस गए। तो हम बात ये कहना चाहते कि इतने सीधेपन में जब आपकी ट्रेन की टिकट एक साधारण सा जीव मानो टीटी छोड़ सकता है और आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता है, तो अगर तुम महात्मा या परमात्मा के चरण में पहुंच जाओ तो महात्मा तुमको भी परमात्मा के चरण तक पहुंचा सकते हैं। और ध्रुव जी ने यही किया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्या किया ध्रुव जी ने? गुरु जी के चरणों को पकड़ा। गुरु जी कौन? नारद जी। नारद जी के चरणों को पकड़ा और उनका प्रताप ऐसा हुआ कि ध्रुव जी जैसे नन्हे से बालक को भी परमात्मा प्रकट हो गए और दर्शन देकर के कहते हैं कुछ मांगो महाराज, अब आपके अलावा चाहिए क्या? भगवान बोले फिर भी कुछ नहीं मानते तो कोई बात, एक काम करो जाओ 36,000 वर्षों तक राज्य भोग भोगो, इसके बाद जब राज्य का सुख पूर्ण हो जाए तो हमारे धाम आ जाना। कथा बहुत बड़ी है। ध्रुव जी ने राज्य भोगा, नागों से युद्ध भी हुआ। बाद में जब ध्रुव जी जाने लगे तो मृत्यु आई, महाराज हम मृत्यु हैं और हमारा नियम है कि इस संसार में जो भी आया उसने बिना हमें स्वीकार किए आज तक कोई नहीं गया। ध्रुव जी बोले तो मृत्यु होगी अपने लिए, और मृत्यु के भी ऊपर चरण रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। हाँ? इसका मतलब क्या? ऐसे समझो, अगर आप भगवान की भक्ति में समर्पित हैं, भगवान के चरणों में समर्पित हैं, तो फिर आपको मृत्यु के भय से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपके भय से मृत्यु खुद डरेगी। आहा। और आज भी ध्रुव जी आकाश मंडल में ध्रुव तारा बनकर के सबको दर्शन देते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ब्राह्मण जब शादी करवाते हैं तो आचार्य जी कहते हैं हाँ भाई ऊपर देखो ध्रुव तारा, ध्रुव जी के दर्शन करो। विवाह के समय ध्रुव तारा के दर्शन करवाए जाते हैं। वो आज भी वही ध्रुव जी महाराज हैं जो हम सबके साक्षी और गवाही बन रहे हैं, ऐसे परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज। बोलो ध्रुव जी महाराज की।